कक्षा सेवन का संस्कृत चतुर्विंशम पाठ पाठ 24 स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा सेवन का संस्कृत पाठ 24 स्वास्थ्य की रक्षा। तो आइए अब हम स्वास्थ्य की रक्षा के बारे में बताते हैं। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा, तो इस पाठ में स्वास्थ्य की रक्षा हमें कैसे करनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं। सर्वे गुरु, गुरु कहते हैं सर्वे जना सुखम इच्छन्ति। सर्वे मने सभी, जना मने लोग, सभी लोग, सुखम मने सुख की, इच्छन्ति मने इच्छा करते हैं या चाहते हैं। तो गुरु, गुरु कहते हैं सर्वे जना सुखम इच्छन्ति, सभी लोग सुख की इच्छा करते हैं या सभी लोग सुख चाहते हैं। शरीरेण स्वस्थाः जना एवं सुखम अधिगन्तुम सफला भवन्ति। शरीरेण मतलब शरीर से, स्वस्थाः मने स्वस्थ, जना मने लोग, शरीर से स्वस्थ लोग ही विकास करने में सफल होते हैं। संस्थाः जना एवं पठितुम क्रीडितुम च समर्था भवन्ति। और संस्था दिया है तो हो जाएगा स्वस्था, मतलब स्वस्थ लोग ही पठितुम मने पढ़ने में, क्रीडितुम मने खेलने में, समर्था मने समर्थ, भवन्ति मने होते हैं। तो संस्था जना एवं पठितुम क्रीडितुम च समर्था भवन्ति, और स्वस्थ लोग ही पढ़ने और खेलने में समर्थ होते हैं। स्वस्थाम धनम अर्जितम, और स्वस्थ लोग ही धन अर्जित करते हैं। ते एवं देशाम उन्नयति, ते मतलब वे, एवं मने ही, देशाम मने देश की, उन्नयति मने उन्नति करते हैं। तो ते एवं देशाम उन्नयति, वे ही देश की उन्नति करते हैं। एक छात्र, एक शिष्य, मतलब एक छात्र हो जाएगा। स्वास्थ्य रक्षाए वयम किम कुर्याम, मतलब स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वयम मने हमें, किम मने क्या, कुर्याम मने करनी चाहिए, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या करनी चाहिए। गुरु, गुरु, गुरु कहते हैं मोहन उपविस, मोहन बैठो, उपायान अपि बदिष्यामि, उपायान मने उपाय, अपि मने भी, बदिष्यामि मने बताऊंगा। गुरु कहते हैं मोहन उपविस, मोहन बैठो, उपायान अपि बदिष्यामि, मैं उसका उपाय भी बताऊंगा। तथा ही जैसे जना सदा सूर्योदयाति प्राक उतिष्ठेन, जना मतलब लोगों को सदा मने हमेशा, सूर्योदयात मतलब सूर्योदयात प्राक मतलब सूर्योदय के पहले, कहते हैं जैसे लोगों को हमेशा सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। प्रात वृद्धिम कृत्वा व्यायाम कुर्वात, व्यायामम कुर्यात, और प्रातः मतलब प्रातः विधि मतलब प्रातः नित्य कर्म करके व्यायाम करना चाहिए। व्यायामेन शरीरस्य शक्ति वृद्धिम गच्छति, व्यायामेन मने व्यायाम से शरीर की शक्ति में वृद्धि होती है। तत् दंता नाम धावनम कृत्वा स्नानम कुर्यात, तत् उसके बाद दंता नाम दातुन करके, दंता धावनम कृत्वा स्नानम कुर्यात, उसके बाद दातुन करके स्नान करना चाहिए। स्नानाय स्वच्छम जलम आवश्यकम अस्ति, और स्नानाय मतलब स्नान के लिए, स्वच्छ मने स्वच्छ, जलम मने जल, स्नान के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। शोधकस्य प्रयोगम प्रतिदिनम न कुर्यात, और साबुन का प्रयोग प्रतिदिन नहीं करना चाहिए। तथा निर्मलानि वस्त्राणि धारयेत, और उसके बाद मतलब उसके बाद सफेद कपड़े पहनना चाहिए। रामदेव, रामदेव कहते हैं किम वृद्धा अपि व्यायामं कुर्यु, क्या वृद्धों को भी व्यायाम करना चाहिए। गुरु आम, हाँ ते अपि यथाशक्ति व्यायामं कुर्यु,
हाँ, कहते हैं क्या वृद्धों को भी व्यायाम करना चाहिए? गुरु कहते हैं हाँ, उन्हें भी शक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। किंच जना ईश्वरम अपि अर्चेयु। किंच जना मतलब होगा कि और लोगों को ईश्वर की प्रार्थना भी करनी चाहिए। तो रामदेव देखिए क्या कहते हैं, क्या किम वृद्धा अपि व्यायाम कुरियो, क्या वृद्धों को भी स्नान करना चाहिए? गुरु कहते हैं आम हाँ, ते अपि यथाशक्ति व्यायाम कुरियु, उन्हें भी अपनी यथाशक्ति के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। किंच जना ईश्वरम अपि अर्चेयु। किंच जना मतलब और लोगों को क्या करना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना भी करनी चाहिए। तेन हृदयम शुद्धम भवति, तेन मने उससे हृदय पवित्र होता है। शुद्धम हृदयम अपि स्वास्थ्याय आवश्यकम। और शुद्धम हृदयम मतलब पवित्र हृदय भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अपरम च, और दूसरा कहता है, जना स्वास्थ्य वर्धकानि खाद्यानि एवं खादेयु। मतलब कहते हैं कि जना लोगों को स्वास्थ्य वर्धक खाद्य पदार्थ को भी खाना चाहिए। मुहुर् मुहु न खादेयु भो शिष्या युवम। कहते हैं मुहुर् मुहु न खादेयु, कहते हैं कि शिष्यों बार बार भोजन नहीं करना चाहिए। युयम अपि समय एवं पठेत, समय एवं च क्रीडेत। युवा मतलब कहते हैं कि तुम्हें भी क्या करना चाहिए, इसके पहले बताए थे कि समय से नहीं, युवम अपि समय एवं पठेत, और तुम्हें भी समय से पढ़ना चाहिए। समय एवं च क्रीडेत, और समय से ही खेलना चाहिए। समय एवं शयनम कुर्यात, और समय से ही सोना चाहिए। एवं च उत्तिष्ठेन, और समय से ही उठना चाहिए। समय एवं कार्याणि कृत्वा जना स्वास्थ्यम विन्दति। और समय से ही कार्याणि कार्य करके लोग स्वास्थ्यम विन्दति स्वस्थ होते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, युवम अपि समय एवं पठेत, समय एवं च क्रीडेत। और कहते हैं कि तुम सभी को समय से पढ़ना चाहिए। समय एवं च क्रीडेत, समय से खेलना चाहिए। समय एवं शयनम कुर्यात, और समय से ही सोना चाहिए। एवं च उत्तिष्ठेन, और समय से ही उठना चाहिए। समय एवं कार्याणि कृत्वा जना स्वास्थ्यम विन्दति, और समय से ही कार्य करने से लोग स्वस्थ होते हैं। तो आपका ये पाठ समाप्त हुआ, और आप लोग सबसे पहले शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद, फिर अभ्यास प्रश्न लिख करके आप लोग कॉपी अपना पूरा करके इसे याद करेंगे।